आज हम वार्ड नंबर 62 की भान नगर विकास समिति के यहाँ आए हुए हैं और आज हमारे भान नगर विकास समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जिन्होंने कई सालों से जो पाइपलाइन जंजर थी उसका इन सब ने बीड़ा उठाया, लेटर्स दिए, सरकार को दिए, फिर जाकर आज इतने सालों बाद लाइन डली है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। सर नमस्कार, पहले मैं तो जनता दरबार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कवरेज कर रहे हैं। और सर ये 30 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन है और इसमें पाइपलाइन के अंदर बड़े बड़े जड़ें वगैरह आ गई थी, लोग बाग बहुत परेशान थे, एक एक बूंद बूंद के लिए तरसते थे। तो हमारी समिति के पदाधिकारियों ने और हम सब ने मिलकर कि भाई पाइपलाइन चेंज करानी है। पिछले एक साल से हम इसके पीछे पड़ रहे थे, सरकार द्वारा भी हुआ, सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पाइपलाइन के लिए हमें सैंक्शन दी और पूरी भाननगर के अंदर बिछाने के लिए वो करी। हमारे संरक्षक वीके शर्मा जी, आप हमें बताएं कि इतने सालों से जो समस्या आ रही थी, कई सालों से जो पानी नहीं आ रहा था, तो क्या इतनी सरकारें आईं तो उनसे भी आपकी बात हुई होगी, तो क्या उन्होंने कदम उठाया सरकार ने अभी तक? पानी क्या है, सबसे पहले तो जनता दरबार का स्वागत है भाननगर विकास समिति की तरफ से। पानी का मूलभूत आवश्यकता है और बेसिकली भाननगर सर्किट में क्या था कि 35 साल से जर्जर पाइपलाइन होने के कारण पानी की शुद्धता और गुणवत्ता में भी बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो राज्य सरकार से हमने पहल करी, हमने कई प्रकार से ज्ञापन दिए, ज्ञापन देने के बाद राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए हमारी पाइपलाइन को सैंक्शन किया और सैंक्शन करने के बाद उन्होंने वर्क ऑर्डर से अपना काम प्रारंभ करा दिया। राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या है कि संपूर्ण भाननगर की जो 2 किलोमीटर परिधि में जो बसा हुआ है भाननगर, उसको पानी की समस्या से निजात मिलेगी और पानी की पाइपलाइन जो है वो हाई क्वालिटी पाइप के साथ ही डाली जा रही है। हर बार सरकार आती है, विधायक आते हैं, वादे करते हैं, अब 2023 का चुनाव भी सामने ही है, अगले महीने चुनाव है, तो ऐसे क्या सरकार के जो सरकार की तरफ से जो आए थे MLA बनने के प्रत्याशी, उन्होंने ऐसे क्या 5 वादे किए और ऐसे क्या उन्होंने जो वादे पूरे किए उन्होंने? सर सरकार के द्वारा जो वादे तो किए जो पूरे, एक तो हमारी पाइपलाइन का है, लेकिन हमारे भाननगर में तो अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए। हमने 2-3 वादों के लिए कहा था, रोड के लिए कहा था, लालचंद कटारिया जी से हमने आग्रह भी किया था, लेकिन रोड नहीं डल पाई है। और पाइपलाइन के लिए हमने महेश जोशी जी से मिले, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पाइपलाइन के लिए हमने तत्परता निभाई और हमें पाइपलाइन की सौगात दी। दिवाली से पहले उन्होंने हमें वादा कर दिया था कि पाइपलाइन की सौगात देने के लिए, तो दिवाली के पहले उन्होंने ऐसा क्या रीज़न रहा, उनसे बात हुई होगी कि रोड क्यों नहीं डल पा रही, क्या बजट की कमी है या क्या है? अब ये तो सरकार बताए, क्योंकि बजट की कमी तो थी नहीं, क्योंकि बजट हम गए थे उनसे मिलने, हमने बहुत पहले प्रयास कर दिए थे, पिछले एक साल से हमने प्रयास कर रहे थे रोड के लिए, लेकिन उन्होंने, हम गए तो उन्होंने अलग बहाने दिखाए कि भाई ये नहीं हुआ, बाकी हमारी सामने वाली कॉलोनियों में सब में डली है, लेकिन हमारी कॉलोनी को छोड़ दिया गया है। और देखिए कि जो भी हम विकास के लिए कहते हैं तो हमारी विकास समिति ही, यानी ब्यूरोक्रेसी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ है। तो राज्य सरकार ने हमारा क्या बताऊं कि है ना, हमारा हौसला जो था वो तोड़ दिया। तो ये हमारे साथ मैम भी है, मैम आप जैसे लेडीज, हाँ सचिव हैं आप, और जैसे कहते हैं आप गृहिणी भी होते हैं, घर में जो भी समस्याएं होती हैं पहले आप लोगों के पास आती, जो पार्षद है यहाँ के, सफाई की समस्या, ये सब, उनसे कितना आप लोग संतुष्ट रहते हैं? हम तो डायरेक्टली जो भाननगर के अध्यक्ष हैं उनके पास ही जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ही हमारी सारी सॉल्व करवाते हैं।